Hello and welcome back to your own channel Madi Goswami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. जैसे कि examinations आप लोगों की postponed हो चुकी हैं, अब आप लोगों के पास और भी ज़्यादा समय है, जो चीज़ें prepare नहीं की हैं, जो नहीं पढ़ा है, उस सारी चीज़ों को पढ़ने का, revise करने का, और भी जो कुछ topics आपने एकदम से छोड़ ही दिए थे, उनको आप इस week में complete कर लीजिए, क्योंकि 15 ऑफ जून से आप लोगों की एग्जामिनेशन शुरू होगी। तो लगभग अगर 12 से भी आप लोगों ने पीएम उठाया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने पीएम शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है ना, तो हम लोगों का थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है, ठीक है यार पढ़ लेंगे कर लेंगे, इतने दिनों से भी तो सीरियसली पढ़ ही रहे थे। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप लोगों को ब्रेक लेना भी ना, तो आज की रात ले लो, अच्छे से सो जाओ, लेकिन कल से वापस जो आपका रूटीन चल रहा था ना, एकदम हार्ड स्टडी स्मार्ट स्टडी वाला, वही कंटिन्यू रखो, क्योंकि एक दो दिन की ढील पुल फिर वही 1 तारीख आ जाएगी और फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी डगमगाओ मत, सिर्फ ये थोड़ा सा और सफ़र है, फिर बस वही मस्ती वाली ज़िंदगी चलती रहेगी, इसलिए इस समय को बर्बाद नहीं करो। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, सप्रेशन क्या होता है, किस किस वजह से सप्रेशन होता है, और सप्रेशन के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, और कौन है जो सप्रेशन में बिलीव नहीं करते हैं, और होम्योपैथी ऐसे डॉक्टर्स क्यों कहलाते हैं जो एक ट्रू हीलिंग आर्ट को जन्म दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ पैलिएशन। दो, सप्रेशन तो भी एक लेवल तक हैनीमैन सर अलाउ किए, लेकिन पैलिएशन के लिए तो वो क्लियरली मना किए। एफोरिज्म नंबर 67 के फर्स्ट फुटनोट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि वी आर नॉट अलाउड टू पैलिएट अ डिजीज वॉट एवर द कंडीशन में बी। फिजिशियंस हु हैव बीन समवॉट ट्रेंड अलॉन्ग होम्योपैथिक लाइंस मैनिफेस्ट मोर कन्फ्यूजन इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल केसेस। जो भी फिजिशियंस हैं जो होम्योपैथिक कंसेप्ट पर चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो दिक्कत आता ही है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनक्यूरेबल डिसीजेस का ट्रीटमेंट कैसे करें, देन इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ मेडिसिन। व्हेन फेस्ड विद इनक्यूरेबल केसेस, द थॉट ऑकर्स टू बी ग्रेट मैनी फिजिशियन टू एडमिनिस्टर पैलिएटिव मेजर्स। और जब भी हमारे सामने कोई इनक्यूरेबल केस आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको कोई भी एक पैलिएटिव मेडिसिन दे दिया जाए। To alleviate the suffering and to attempt to hide from the patient and from family, ताकि जो patient है उससे और उसकी family से हम लोग छुपा सकें क्या जो real seriousness है उस condition की, mostly incurable cases में। The basic of cure is the fundamental law of similars. Law of similars का basic rule क्या है? Law of cure. The law of similars is the fundamental law ऑल्सो इन द पैलिएशन ऑफ इनक्यूरेबल केसेस। और इनक्यूरेबल केसेस में जहाँ पैलिएशन भी करना है, वहाँ भी लॉ ऑफ सिमिलर्स हमें यूज करना ही है। वैन वी आर फेसिंग दिस इनक्यूरेबल कंडीशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिमिलर रेमिडी ऑलमोस्ट ऑलवेज एम्बुलेट्स द सिचुएशन। और ऐसे केसेस में भी जहाँ हम लोगों को इनक्यूरेबल केसेस मिल रहा है, वहाँ पर भी सिंगल सिंपल सिमिलर रेमिडी से हम लोग डिसीज कंडीशन को एम्बुलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 3 or 4 days एंड यूजुअली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, 2 या 3 दिन तक या उससे लंबे समय तक, 1 हफ्ता 1 महीना। देन वी मे हैव अ रिटर्न ऑफ द सिम्टम्स, और फिर उसके बाद हमें वही सिम्टम्स वापस दिखने लगेंगे। वैन द इंडिकेटेड रेमेडी विल बी कॉल्ड इन टू द यूज अगेन, जब फिर हमें वापस से जो मेडिसिन दिया था उसको वापस से यूज करना पड़ेगा। This condition of impending fatality are usually accompanied by a great many symptoms because the whole organism is involved and a gradual dissolution in the taking place in every part. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो symptoms हैं वो बहुत ज़्यादा deep जा चुके हैं और gradually जो person है वो बहुत ज़्यादा weak होता चला जा रहा है। Sometimes one symptom or a set of symptoms predominates and become annoying, troublesome, disagreeable or symptom complex. कभी कभी एक symptom या 2-4 group of symptoms बहुत ज़्यादा annoying हो जाते हैं और वो disease condition को एकदम से बिगाड़ने लगते हैं और उसकी वजह से patient बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसमें symptom complex की condition भी बन जाती है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को केस फिर से लेना है, री एग्जामिन करना है, हमने क्या रेमेडी दी थी, क्या यूज़ किया था, और फिर देखना है कि क्या वो रेमेडी उस डिसीज कंडीशन को करस्पॉन्ड कर भी रही थी या नहीं कर रही थी। ओके, तो ये तो हमने बात करी कि इनक्यूरेबल केसेस में, जो केसेस इनक्यूरेबल होते हैं उसमें भी हमें एज ए पैलिएटिव का काम नहीं करना है, उसमें भी हमें सिंगल सिंपल रेमेडी देना है
और जितने भी सिम्टम्स एम्यूलेट हो रहे हैं वो ठीक है, फिर जो बचे हुए सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को लेना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। फिर जो सेट ऑफ सिम्टम्स हम लोगों को मिलते हैं उन पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आगे की रेमेडी को चूज करना है। नाउ the another class of symptoms that is very troublesome and which often falls under the use of palliative is composed of the patient who complains of insomnia. Now insomnia is not any kind of complaint. Nowadays it is considered as a huge medical condition. तो insomnia के cases में भी बहुत सारे physicians जो है वो palliatives का use करते हैं. Okay. Now the third thing is pain in itself is but a part of symptoms. Because pain is of what? A symptom. If you are facing pain in some kind of a part of your body, then that's the reflex that something has happened to that particular part or system or organ of the body. However, for the physician must take into the consideration the location, sensation, modalities and concomitants, the kind of pain, whether steady, intermittent, whether at regular interval, upon motion, it's dull, cutting, blunt, sharp, pressing, pulling, darting, cramping, kaisa type ka pain. Now, one of the most difficult problems a physician has to meet whether he has the need to acquire and discriminate a complete knowledge of remedy picture are such conditions and manifestations of alternation of symptom picture in different seasons of the year. अब जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर सीजन में भी तो पेशेंट को एम्यूलेट कर देते हैं या क्योर कर देते हैं, लेकिन बड़ा टास्क जब आता है जब मौसम बदलता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है कुछ डिसीज कंडीशन को फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से वो एग्रावेट होने लगती है, सो दैट्स अ चैलेंज फॉर यू पीपल। It is sometimes true when we have a case with alternating phases or series of symptoms groups and we are unable to meet the condition with a remedy that covers all the phases. और ऐसा कई बार होता है कि जब alternating phases होते हैं तो आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्या medicine choose करना है क्या choose नहीं करना है। By meeting the symptom groups as they arise in the case itself we go on. और जैसे जैसे हमें symptoms patient देता जाता है कि case शुरू कैसे हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। The symptomatology becomes clearer and more distinct, so what we more completely meet the condition as they arise and the patient's condition better as a whole. और जैसे जैसे वो patient हमें deep history देता जाता है, symptoms similarity मिलती जाती है, वैसे वैसे हम लोग close पहुँचते जाते हैं medicine की तरफ। It serves better as palliative measure in incurable states. और ऐसी medicines का use करना palliative measures के बजाय में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत अच्छे से एम्यूलेशन होता है। वी कैन से दैट वी कैन क्योर द इनक्यूरेबल केसेस इफ देर आर सम काइंड ऑफ सर्जिकल केसेस, प्योर सर्जिकल केसेस द पेशेंट इज नॉट अग्री फॉर द सर्जरी बिकॉज वी नो द ड्रॉबैक्स ऑफ सर्जरी। तो उस कंडीशन में हम लोग सिंगल सिमिलर रेमेडी से उस पेशेंट की कंडीशन को एम्यूलेट कर सकते हैं ताकि वो उससे ज़्यादा और फर्टेलिटी तक ना जाए। ओके The young physician may find it difficult to do this work carefully because he lacks the knowledge of materia medica. जैसे कि हम लोग अभी अभी फील्ड में उतरे हैं, अभी अभी हमें बहुत सारी मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता है कब कैसे रेमेडी को यूज़ करना है, कौन सी मेडिसिन सुबह दी जाती है, कौन सी मेडिसिन शाम में दी जाती है, किस मेडिसिन का एक्शन पीरियड कितना होता है, या इसके हमारे स्कोप के अलावा भी कौन सी मेडिसिन है जो इस केस में और ज़्यादा अच्छे से दे सकती है। और ये आपको कोई बुक नहीं सिखा सकती है, यू कैन गेट दिस बाय योर ओन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जो आप क्लिनिक में बैठोगे हॉस्पिटल ड्यूटीज से आपको ये चीज़ कभी कभी भी नहीं आएगी। आप वहाँ पर 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी काम कर लोगे तो भी आपको ये चीज़ नहीं आएगी। जब तक आप खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, खुद को खुद के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब तक आप ये चीज़ नहीं सीख पाओगे। Now, in cases of mechanical injuries where there is much pain and which would be subject to narcotic or sedative treatment, mechanical injuries है जहाँ पर जो patient है वो narcotic या sedative treatment ले रहा है और जो ordinary medicines चलती है, the homeopathic physician has a group of vulnerary remedies that will not only allay the pain and the distress incidence of the traumatic condition, but will prevent the congestion, suppuration, gangrenous process and will hasten the healing. जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल केसेस होते हैं उस समय में बहुत सारे लोग सीधा एलोपैथिक्स पर दौड़ लगाते हैं, लेकिन वो क्या देते हैं, नार्कोटिक्स देते हैं, सैडेटिव्स देते हैं, लेकिन एट द टाइम्स द होम्योपैथ्स विल हैव अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ मेडिसिन टू क्योर दैट मैकेनिकल इंजुरी।
जो सिर्फ उसका पेन नहीं कम करेगा, उसके साथ साथ में कंजेशन भी रोकेगा, सेपरेशन भी रोकेगा, गैंग्रेनस प्रोसेस को भी रोकेगा और हीलिंग को भी जल्दी कर देगा। वेयर एज नार्कोटिक्स वाइल डाइडिंग द पेन, नार्कोटिक्स क्या करेंगे, पेन तो कम कर देंगे लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस को और ज़्यादा तरीके से बढ़ा देंगे और जितनी भी हमारी बॉडी की नेचुरल कैपेसिटीज है हील होने की उसको भी और कम करते जाएंगे। दी होम्योपैथिक फिजिशियंस फाइंड अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर नार्कोटिक्स इन सर्जिकल केसेस, और होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास में नार्कोटिक्स जो यूज होते हैं सर्जिकल केसेस में उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बिफोर और आफ्टर द ऑपरेशन वी आर हैविंग सेवरल रेमेडीज विच कैन बी गिवन बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ सर्जरी। हियर द इंडिकेटेड रेमेडी डज द एक्सीलेंट सर्विसेज एंड द पेशेंट विल गो थ्रू द मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस वेरी रैपिडली very happily. These remedies will be indicated partly by the symptomatology of the patient and partly by the immediate cause of distress. तो यहाँ पर हम लोग देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमें constitution तक ही जाना है, though it is very necessary, but in cases हम लोग कभी कभी symptomatology पर भी काम करना होता है। जो भी current symptomatology आ रही है हम लोग वो लेंगे, क्या immediate cause था disease का वो लेंगे और उसके अराउंड में जो मेडिसिन आ रही है हम लोग वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। उस टाइम उस पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस नहीं डालेंगे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या निकल रहा है। दो इफ दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दैट विल वर्क फार एक्सीलेंटली, बट एट ए टाइम अगर आप लोग सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग रस्टॉक्स भी दे रहे हो, रूटा भी दे रहे हो, तो वो भी काम करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ पैलिएशन कि हमें कब पैलिएट नहीं, मतलब पैलिएट तो हमें करना ही नहीं है। एफोरिज्म नंबर 67 के फर्स्ट फुटनोट में हनीमन सर ने क्लियरली लिख दिया है वी आर नॉट अलाउड टू पैलिएट। अब पैलिएशन में हम लोगों को बात करनी है इनक्यूरेबल केसेस की, इनसोम्निया की, मैकेनिकल कंडीशन की, क्रॉनिक केसेस की, पेन्स की। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।